प्रोफेशनल लगाई गई माननीय विद्यारत्न हाशिम के द्वारा, और उसमें ये जानकारी मांगा गया था कि सत्र 2020-21 और 21-22 में कि कब कब और किस किस वस्तुओं का कितनी कितनी राशियों का सामग्री खरीदी गई, क्या उसमें वित्त नियम भंडार क्रय नियम का पालन किया गया नहीं किया गया, क्या उन वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया, क्रय समिति का निर्माण किया गया था कि नहीं किया गया था, क्या जिस सामग्री का खरीदी की गई थी क्या उसके लिए क्रय समिति का क्रय आदेश जारी किया गया था या नहीं किया गया था, आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि एक्चुअल स्थिति है क्या और उस स्थिति के तहत सस्पेंड या निलंबित किसको होना चाहिए था और निलंबित किसको किया गया है, ये बातें हम आप सबको बताने जा रहे हैं, जिससे डेढ़ महीना पहले पदस्थ प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है। इन्हीं चीजों को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा 2/12/2022 को प्राचार्य के द्वारा वहां पे कार्यभार ग्रहण किया गया और कार्यभार अभिनंदन स्वागत करते हैं, और हम लोग आज अपने संगठन का एक बैठक रखा था और बैठक इसलिए रखा गया था कि अभी वर्तमान में हमारे एकलव्य विद्यालय राजनांदगांव में प्रभारी प्राचार्य के रूप में एक महीना पहले कलेक्टर के आदेशानुसार वहां पे प्रभारी बनाए गए थे, जिसको संभवतः डेढ़ महीने के अंदर ही गलत जानकारी विधानसभा प्रश्न का गलत जानकारी देने निलंबित किया गया है, जिसका हमारे अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ आपत्ति करते हैं और इस निलंबन को निःशर्त बहाल करने के लिए हम लोग बैठक रखे हैं और